लगो यहाँ से, लगो लाइन में, हम थोड़ा तुम लोग को बाद में वीडियो मिलेंगे, पहले आओ ना। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ अगेन NACBI एयरपोर्ट में, बट मैं काम पे नहीं हूँ, काम हो गया मेरा, मैं सुबह से उठा हूँ। आज का दिन बहुत ही बड़ा मेरा हुआ है, मैं इतनी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी भूख लगा है। मैं सुबह सुबह उठा था, आज अराउंड 4 बजे से उठा हुआ हूँ। अभी अगर सामने से दिखाऊँ तो समझ में आ ही रहा होगा मेरा शक्ल देख करके, मेरे आँखों का हालत आप लोग देख सकते हैं क्या है। तो चेक इन वेकिन मैंने कर लिया, बोर्डिंग पास भी ले लिया, तो मुझे जा कर के भी लाउंज में खाना था, काफ़ी तेज़ भूख लगा है। और आज आप लोग अपने दोस्तों से, कलीग से भी मिलाएंगे। अभी से मैं 1 महीना पहले ही गया था मैं दिल्ली, फिर से मैं जा रहा हूँ दिल्ली। यहाँ से मैंने 1A से एंट्री किया, ये एंट्री पॉइंट है 1A, 1, 2, 3 ऐसे करके ABC करके सारा गेट, एंट्री गेट। और एंट्री गेट के ठीक सामने ये एंट्री गेट है, इसके ठीक सामने अपना चेक इन काउंटर, और फिर चेक इन करने के बाद जैसे मेरे सामने भी और एक है काउंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे बैग ड्रॉप करते हैं हम लोग। बैग ड्रॉप करने के बाद फिर ये हो गया आपका सिक्योरिटी पॉइंट एरिया, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट 1 ऐसे करके 1, 2, 3, 4 है यहाँ से पूरा लाइन से। अगर आगे आप जाओगे तो लाइन से ऐसे 1, 2, 3, 4 है, तो वहाँ सिक्योरिटी चेक करके फिर सारा जितना बोर्डिंग गेट है उसको क्रॉस करने के बाद आए। तो गेट नंबर 25 to 14 ऊपर है और 1012, 107 या 109 नीचे, आपको नीचे जाना होगा क्रॉस करके। मुझे सिक्योरिटी चेक में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास कैमराज वगैरह और पावर बैंक वगैरह बहुत कुछ है, वायर्स एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग भी अगर इस तरह से इतना कुछ कैरी करते हैं तो थोड़ा टाइम लेके ज़रूर निकलना, क्योंकि वो अलग से चेक होगा ज़रूर सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद। उसके बाद मैं जाऊँगा खाने के लिए लाउंज में, और उस तरफ मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं अभी मैंने यहाँ से बोला हाय करने के लिए ये सब हाई कर रहे हैं वहाँ से, तो अभी उनसे भी आप लोगों को मिलाते हैं। चलो 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 चलो। वैसे कोलकाता में ठंड आ गया है और दिल्ली में तो होगा ही ठंड, इसीलिए मैंने ये मोटू कपड़ा पहन लिया है, थर्मल काइंड ऑफ। जैसा कि मैंने बोला था मुझे टाइम लगेगा सिक्योरिटी चेक करने में, ऑब्वियस सब, और वही हुआ। मैंने सब कुछ अलग से अच्छे से रखा था, बट स्टिल एक पेन मेरा रखा हुआ था जो कि मतलब मेरे चार्जर के वायर के साथ था, तो उनको उस पर डाउट लगा, तो मैं पेन निकाल के दिखा दिया। तो तुम जा सकती हो जब तुम ट्रैवल कर रही हो, इतने बार भी तुम्हारे मन नहीं, शायद 5 बार या 3 बार, मतलब सॉरी साल का होता है, साल का होता है, साल का 5 बार या साल का लिमिट पेमेंट होता है। ऊपर लाउंज आ गए, दैट इज लिफ्ट नंबर 28 ट्रैवल क्लब लाउंज। इस तरफ से एंट्री है, तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं बस फटाफट खाऊँगा। यहाँ पे गेट नंबर 24 है और हम लोगों को चलते हुए सीधा जाना है गेट नंबर 21, तो खाने का टाइम नहीं है, लेके भागेंगे सीधा। और एक गुस्से में मुझे विक्टर देख रहा है सैंडविच कट फ्रूट्स लिखा है बट है नहीं, ख़त्म हो चुका है। और बटर स्कॉच पेस्ट्री, ये मैं ट्राई करूँगा कौन चीज़, देखते हैं कैसा है। ये इस साइड पे लाउंज है और यहाँ पे खड़े होके आप पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा ऊपर से ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, काउंटर है और वहाँ से एंट्रेंस है एयरपोर्ट का, 1AB। बस खाना हो गया, अभी जाते हैं बोर्डिंग गेट के पास। जल्दी जल्दी चल के जाना है, बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 6 बजने को, सिर्फ 10 मिनट बाकी है और बोर्डिंग 6:35 में स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। ब्लेज़र छूट गया बहुत अच्छा, जाइए लेके आइए जल्दी से, हम लोग हैं, जाने देगा ना? बिल्कुल जाने देगा। ये 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये मुझे 3D वाला बहुत ज़बरदस्त लगता है, हॉक MK 132। वाओ, कैमरा
हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो आयुषी ने जैकेट छोड़ दिया था, बट जैकेट अभी लेके आ गई। मतलब जैकेट तो नहीं है, इसको आदमी जैकेट नहीं बोलेगा, इसके अंदर पूरा का पूरा पिटारा है। एंड शी इज आयुषी, ये है उपासना, और इधर है हमारे विक्टर बाबू। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और जल्दी से चलते बोर्डिंग गेट की तरफ, नहीं तो अभी नोशो नोशो का कॉल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी गेट नोशो क्या होता है, जैसे आपने चेक इन किया, बैग वैग डाला बट अपने बोर्डिंग गेट में नहीं पहुंचा तो उसको गेट नोशो बोला जाता है। ऐसे पर्टिकुलर पैसेंजर को कॉल वॉल करते हैं बोर्डिंग गेट वाले और नाम वाम अनाउंसमेंट भी करते हैं। फाइनली पहुँच गए गेट नंबर 21 और हमारा विमान यहीं है। ये हमारे बाकी ग्रुप यहाँ पे खड़ा है हमारा विमान। ये एयरो ब्रिज है, पूरा घूम के इस एयरो ब्रिज में आएंगे और यहाँ से बोर्ड करेंगे फिर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा फ्लाइट के अंदर और ये है हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स। इन केस ऑफ लो कैबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क्स विल ड्रॉप ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पैनल। लैंड होने के बाद एक ही चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि दिल्ली में काफ़ी ठंड है। मैंने ये काइंड ऑफ थर्मल ये मैंने टी शर्ट पहना है बट काफ़ी ठंड है और मेरा तो पूरा गला नाक वाक सब ब्लॉक हो गया है। सो एनीवेज मेरे पास बैग है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने चेक इन नहीं किया था, बट मेरे पीछे सब वहाँ पे मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे बैग का, तो आई हैव टू वेट फॉर देम। तो फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, कैब वाला ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा है, फिर कैब में बैठ के विल गो टू होटल। वापस से वही सेम होटल में है। तो रूम का टूर तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे पहले दिल्ली वाले वीडियो में ये रूम दिखाया था आप लोगों को, अगर जिसने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये कुछ रूम ऐसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था जैसे मैंने बोला। तो रूम टूर नहीं करवा के मैं सीधा अभी जाऊँगा खाना खाने के लिए। वंस अगेन दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जाते हैं खाना खाने के लिए, बहुत हालत मेरा ख़राब हो चुका है, आवाज़ तो बिल्कुल भी अजीब सा हो गया है। तो अभी चेंज भी मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा फ्रेश होकर बस नीचे खाने जाऊँगा, खाना खा के फिर देखते हैं अभी क्या करते हैं, कुछ करेंगे नहीं सो ही जाएंगे क्योंकि और जान बचा नहीं मेरे अंदर अभी फिलहाल। ट्रेनिंग के बाहर शादी का नज़ारा, चार चांद लगा दिया, हम लोगों का एनर्जी खत्म हो गया था मगर ये देख के डांस करने का मन कर रहा है। ये रहे हमारे सुनहर राजा। पहचान ही जाते एक फोटोग्राफर को, मतलब क्या ब्लॉगर मैं बनूंगा फोटोग्राफर ही बन के रह जाऊंगा मुझे ऐसा लग रहा है। दिल्ली आके भी वही, कलकत्ता में भी वही होता है, दिल्ली में भी वही हो रहा है मेरे साथ, जान पहचान वाले रहे ना रहे बट फोटो खिंचवा रहे हैं मुझसे ही सबको। फाइनली दोस्तों बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद मैं आ गया हूँ दिल्ली का बहुत ही हैपनिंग प्लेस, अभी एग्जैक्ट बोलूँ तो गुड़गांव का सबसे हैपनिंग प्लेस, साइबर सिटी साइबर हब जैसा जो भी आप बोलो,
तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और अभी बहुत सारे फ़ोटोज खींचने वाला हूँ और दोस्तों के साथ मस्ती भी करने वाला हूँ। आज मैं सो करके उठा था सुबह सुबह 7:30 बजे और अभी रात के हो रहे हैं, अगर घड़ी नहीं देखो तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, अभी बस 12 बजने को सिर्फ 6 मिनट बाकी है। दोस्तों बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको अभी यहाँ का एक थोड़ा सा सराउंडिंग्स दिखाता हूँ, कितना लाइवली है, कितना मतलब ज़बरदस्त है और बहुत एनर्जेटिक है ये जगह। तो फटाफट चलते हैं और इस जगह को घूमते हैं थोड़ा सा। फाइनली पूरा चक्कर लगा लिया, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा लिया। अभी यहाँ पे हम लोग जो आए थे दोस्तों के साथ मेन काम करने के लिए, वो है फोटोग्राफी। तो अभी ये पीछे जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फोटोज़ आता है। लास्ट टाइम भी मैंने अंकित का फ़ोटो खींच के दिए थे, अंकित ने मेरा फ़ोटो खींच के दिया था यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर से करने वाले हैं फोटोग्राफी, बट यहाँ मैं आज वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन से, क्योंकि कैमरा यहाँ पे अलाउड है नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे फोटोज खींचते हैं, उसके बाद आप लोगों को लास्ट रैप अप करके दिखाते हैं। भाई वेट करते करते अभी टाइम में यहाँ पे हो गया है 12:40 और आए थे हम लोग 12:05 बाकी था, 45 मिनट हो गया है। तो अभी ये लोकेशन थोड़ा खाली लग रहा है, तो होपफुली जैसा हम लोगों को फोटो चाहिए मिल जाएगा, फोटो खिंचाएंगे उसके बाद यहाँ से भागेंगे हम, क्योंकि सुबह फ्लाइट भी है, सुबह मेरा 7 बजे का फ्लाइट है, तो उसके लिए मुझे 2 घंटे पहले निकलना है, मतलब 5 बजे में निकलना है, तो आज नींद होगा तो नहीं, 20 मिनट बाकी 1 बजने को। अभी मेरे दोस्त लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दिए,